नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप जानने वाले हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कैसे चेक करें। जो कि दोस्तों अभी कल जो है 18 जून था और 18 जून को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हुआ था। जो कि दोस्तों वेबसाइट बहुत ही स्लो चल रही थी, बहुत ही ट्रैफिक था वेबसाइट पे, बहुत लोगों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट अपना चेक नहीं कर पाए हैं। तो आपको मैं जो वेबसाइट बताने जा रहा हूँ, आप उस वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट सबसे पहले चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में उस पर आप डाल दीजिएगा upmsp.edu.in। इतना डाल के आपको सर्च पे प्रेस कर देना है। तो आप सर्च पे जैसे प्रेस करेंगे तो आपको सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पे प्रेस कर देना है, जो लिखा होगा वेबसाइट upmsp.edu.in और नीचे लिखा होगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद upmsp। तो आपको इस वाले वेबसाइट पे प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है। तो आप इस वाले वेबसाइट पे जैसे प्रेस करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की जो है ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने पूरा कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों अपने मोबाइल में आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद में देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा रिजल्ट क्लास 10/2022, और नीचे लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षाफल वर्ष 2022, और इधर में देखिए लिखा होगा इंटरमीडिएट परीक्षाफल वर्ष 2022। तो अगर आप हाई स्कूल का चेक कर रहे हो तो आप इस पे प्रेस कर दीजिएगा, और अगर इंटरमीडिएट का चेक कर रहे हो तो आपको इस पे प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको हाई स्कूल का रिजल्ट चेक करके दिखा देता हूँ, आप उसी तरह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का दोनों का रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। तो हाई स्कूल वाले पे हम जैसे प्रेस करेंगे तो अगली डिटेल हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा जनपद या परीक्षा वर्ष, तो आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, अपना जनपद यहाँ से अपना चूज कर लेना है। और जनपद को चूज करने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा नीचे रोल नंबर, तो आपको यहाँ पर 10 डिजिट का अपना रोल नंबर एंटर कर लेना है। और रोल नंबर को एंटर करने के बाद में आपको नीचे देखिए लिखा होगा व्यू रिजल्ट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एंटर कर देना है। तो आप इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने पूरा ओपन होके आ जाएगा। जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका नाम भी शो हो रहा है, आपका रोल नंबर शो ही होगा, और आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, और नीचे देखिए आपका जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट में आप कितना नंबर पाए हैं, कितना अंक आपको मिला है, यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर शो होके आ रहा है। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपना रिजल्ट सबसे पहले चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, आप अपने मोबाइल से ही आप घर बैठे। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट किस तरह से चेक किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।